सैंडविच बनाने के लिए हमने दो ब्रेड लिया है, ये ब्राउन ब्रेड है, अगर आपको व्हाइट वाला मिलता है तो वो भी यूज कर सकते हैं, पर इसका सैंडविच बच्चों के लिए हेल्दी होता है क्योंकि ये गेहूं से बना होता है। हम एक के ऊपर लगा दे रहे हैं मेयोनीज, आप चाहें तो यहाँ पे केचप लगाएं या मेयोनीज लगाएं, हमारे बच्चों को मेयोनीज पसंद है तो यहाँ पे हमने मेयोनीज लगा रखा है। तो मेयोनीज हम पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे जिससे अच्छा सा टेस्ट आए। और दूसरे पे हम लगा देंगे ग्रीन वाली चटनी। तो ये होममेड चटनी है, इस चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे है, अगर आपको चाहिए तो हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो हम इस पे भी पर्याप्त मात्रा में चटनी लगा लेंगे। अब हम बीच में सब्जियां भरेंगे, तो यहाँ पे हम दो टमाटर ले लेंगे, दो प्याज ले लेंगे, ककुम्बर ले लेंगे यानी कि काकड़ी, और कुछ स्लाइस हम आलू के ले लेंगे क्योंकि आलू बच्चों को पसंद है और बॉयल आलू हेल्दी भी होता है। तो हमने एक सैंडविच में इतना सारा सब्जियां भर लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चटनी में अपना नमक होता है, थोड़ा सा हम चिल्ली फ्लेक्स डाल लेंगे, थोड़ा सा हम सीजनिंग डाल लेंगे, ये सारे ऑप्शन में है, आपको चाहिए तो डालो नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरे ब्रेड से इसको ऐसे कवर कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में बटर लगाना है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे तावा गरम कर लिए हैं क्योंकि ये तावा सैंडविच है, तो इस पर हम बटर वाले साइड को रख देंगे और दूसरे साइड पे भी हम अपना बटर स्प्रेड कर लेंगे। तो ब्रश से हो तो या ऐसे भी आप स्प्रेड कीजिए। अच्छे से हम एक साइड से सीखने के बाद आपको दिखाते हैं। एक साइड से हमारी सैंडविच सीख चुकी है, तो हम इसे ऐसे फ्लिप कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तावा सैंडविच कितना बढ़िया सीख रहा है करारेदार। तो दूसरे साइड से सेक के हम सर्व करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सैंडविच को अपने प्लेट में ले लिया है, अब नाइफ की मदद से इसे हम काट लेंगे। तो हम सैंडविच को अपने शेप में काटना है, आपको कॉर्नर पे काटना है तो ऐसे कॉर्नर पे काटिए, चेक्स में काटना है तो चेक्स में काटिए, हमें तो इसी तरीके से पसंद है तो हम ऐसे काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तावा सैंडविच कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, हेल्दी करारेदार और उसके साथ हरी हरी चटनी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।